अजी क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं गला नहीं फाड़ रहा, ये सब तेरी वजह से हुआ कंबखत। जब से तूने वो 50 रुपए दिए, जब से शक्ल को बिगड़ रही है मेरी। कोई है मेरी शक्ल को पीट जा, मेरे से मत बोला अलग रह साली। वो तुम तो भैंस लेने गए थे ऐसे भैंसा बनने। मैं सच्चा भैंस लेने गया था, कंबखत ने मुझे बहुत मारा। इसमें अल्लामी की क्या गलती, ये तो वक्त की बात है। पर ये तो बताओ बात क्या हुई? मुझे लगता बेगम हमारा टाइम खराब हो गया। जिधर भी हाथ डालता हूँ साले उधर ही कबकत बरकत खत्म हो रही है, उधर ही मुंह पिट रहा मेरा तो। ये तो वक्त की बात है, पर ये तो बताओ बात क्या हुई? बात ये है कि मैं तो भैंस लेने गया था, भैंस तो मैंने खरीद ली थी, सालों ने मुझे खूब मारा। हाय अल्लाह, उनका सत्यानाश जाए, पता नहीं क्यों मारा इतना। अजी बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, पर अब भैंस लेने नहीं जाऊंगा साली, क्या कुछ भी बतला दे। और ना जी भैंस लेने ना, अजी सुनो तो, अगर हम अल्लामे के नाम पर खैरात कर देना तो हमारा वक्त ठीक हो जाएगा। खैरात क्या होती है, कहीं भी खरीद के लानी पड़ेगी, मेरा फिर मुंह पिटवाएगी सन्नो। अजी ना, खैरात होती है अगर हम अल्लाह मियां के नाम पर किसी गरीब बेसहारा को खाना खिला दें, इसे खैरात कहते हैं। लेकिन सबसे बेसहारा तो अंधे होते हैं, साले को संबंधों को पिटला करके लाता हूँ घर पे। अजी ना, इतना ना है हमारे घर में कि हम सारे अंधों को खिलाएं, सिर्फ एक अंधे को लाना, सिर्फ एक, कभी हमारी बेइज्जती हो जाए। एक अंधे की खैरात लगे? अजी हाँ, एक ही अंधे को लेके आना, मैं बताए दे रही हूँ पहले ही, मैं सिर्फ एक अंधे का खाना बनाऊंगी। अम्मी तो कहती थी डबल करना। ठीक है तो चावल पका और मैं सारे अंधों को पिटले करके लाता हूँ। अजी ना, सिर्फ एक अंधे को लाना, एक, मैं फिर बता रही हूँ। मैं कम वक्त बना तो सही चावल। अजी एक। ठीक है ले आऊंगा, मगर अम्मी तो कहती थी जो काम करो डबल करना। Come on, huh?
दे रहा हूँ। साला पब्लिक का चूतिया बना रहा। अरे ऐसे ऐसे ही सही, जल्दी करा मेरे पैसे। मैं साला ये रख, साला पब्लिक का चूतिया बना रहा। साला आराम ज्यादा अंधा नहीं है तू। साला मेरे तोड़ दे, साला मेरे तोड़ दे, साला बोले साला अल्लाह मेरे से बच गया। भाग जा भिखारी कहीं का। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तेरा भला करेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तेरी रोजी रोटी में बरकत करेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 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 अल्लाह तेरा भला करेगा बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अबे लगता है तो पूरे सूरदास जी के नाम पे दे दे बाबा। कौन है भाई, कौन है, कौन है भाई, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अबे ये दोनों तो वाकई सूरदास लग रहे। भाई साहब हम बुगो कुछ दे दो, अल्लाह मियां तुम्हारा भला करेगा। भाई साहब आपने कभी शारस देखी है? शारस भाई देखी तो नहीं है मगर सुनी जरूर है। हैं? दिखला दूं तो मैं दिखला दूं शारस? हैं? हैं? कैसे दिखलाओगे? देखो ऐसी होती है शारस, ला देखो शारस ऐसी होती है, देखो हाथ पे देखो ऐसी 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 होती है शारस। ऐसी होती है? हाँ ऐसी होती है तिरछी। हैं? देखो देख उसकी गर्दन ऐसी मुड़ी हुई रहती है। हाँ और पता तुम्हें ये मछली भी खा जाती है? मछली है, मछली सटक जाती है। हाँ मछली कैसे सटक जाती है ये मुड़े हुए मुंह में को? सटक जाए वो ऐसी सटक जाती है ना, ऐसी सटक जाती है। हाँ हाँ जान है, जान है साले अंदर जान है तू। और तुमने कभी खाई है खिचड़ी? खिचड़ी? हाँ खिचड़ी खाई तो है पर देखी ना तुम्हारे नसीब में नहीं रखी। अल्लाह मियां ने दिखानी, तुम तो वाकई में प्योर अंधे हो, है नी? वाकई में तुम्हारी तो बिल्कुल फोड़ दी अल्लाह मियां ने। अच्छा भाई जान खिचड़ी खाओगे? मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगा। हाँ खिचड़ी? हाँ। अबे तुम्हारी मेरे घर दावत है, दोनों की है। अच्छा। बेगम तो एक को कह रही बार अम्मी कहती थी डबल करना, दोनों की दावत है, आ जाना। अजी हमें तो अभी ले चलो जी। चलो अबे अब का ले जाकर तुम्हें गड्ढे में दापूंगा सालो। गैली अभी ले चलो। अबे मेरे घर नहीं देखा तुमने, घर आ जाना तुम जी। घर तो हमें घर कैसे देखेंगे हम? घर देखा नहीं? अबे तुम रोज नहीं जाते हो मांगने? हाँ गली में, गली में जब मांगने जाते हो ना तुम जैसे अंदर घुसते हो वो वहां जाकर आवाज लगाना, अल्लाह रखा जी, अल्लाह रखा जी, अल्लाह रखा जी हम आ गए। बस मैं तुम्हें खिचड़ी खिला दूंगा। अल्लाह रखा नाम आपका? हाँ अल्लाह रखा मेरा नाम। अच्छा ठीक है आ जाना। ठीक है जी। ठीक है मैं चल रहा हूँ, आ जाना। ठीक है तो प्योर तुम्हारी अल्लाह यार गलत छोड़ दी वैसे। ठीक है साले ने वो दो अंधे को कही आया। दो को? मैंने तुमसे पहले ही कही थी कि एक को क्या कहना और तुम दो को कही आए। इतना राशन ना है हमारे यहाँ। अबे पगली तुझे पता अम्मी कहती थी जो काम करना डबल करो। मैं तो साले वो दोनों कही आया, तू मुझे बावला मान रही है? बस आने वाले होंगे। आते हो या ना आते हो मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाना खाऊं। अबे खैरात से पहले खाना खा रही है भाई। सुन लड़ हाँ तो निकल, ऐसा करो निकल ले। हाँ फिर खिचड़ी खत्म हो जाएगी नहीं तो। हाँ कभी अल्लाह रखा के खिचड़ी खत्म हो जा। हाँ। चलो जल्दी निकल लो। हाँ चलो चलो। आने वाले होंगे? अभी तक तो आए नहीं।
कमखो तो कह के तो आया था और कमखा तो अभी आया नहीं। अल्लाह रखा जी, अजी अल्लाह रखा जी है क्या? है? बतलाया था यही को था जी। क्या पे बतलाया था? अल्लाह रखा जी, अजी कहाँ हो अल्लाह रखा जी? अबे आगे दिखे, ले आऊँ? हाँ जाओ। ठीक। जोर जोर से आवाज मारो। अल्लाह रखा जी, अजी कहाँ पे हो? अल्लाह रखा जी, अल्लाह रखा जी। बैठना में नहीं आता, कैसे कैसे लोग है, बिल्कुल ही अंधे हो। यही धर जा, तिरछा सीधा बैठ। तिरछा बैठा सीधा बैठ जा साले, बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया सालों ने। क्यों अंधे बैठो ना भाई, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना चार भिखारी। मैंने तुझसे कहा था एक लाना और ये चार चार अंधों को लिया है। इतना खाना भी नहीं है। वैसे नो वो लोग आ गए, कम खा जल्दी खा दे खाना। है ला, तुम तो कह रहे थे दो आएंगे और वो आ गए चार चार, अब हम क्या खाएंगे? उनसे कह दो खाना ना है, हमें ना करनी खैरात वरात। बस जब तक कर रही खैरात करनी है, खैरात करनी है, खैरात करनी है, कर ली खैरात। अजी हमारे पास खाली एक प्लेट खाना है। अल्लाह रखा जी रोटी ले आओ ना खिचड़ी। अबे तू मुझे बावला मान रही है, तेरे पास एक का तो खाना है ना? हाँ जी एक प्लेट ही है। ठीक है तो तू खाल दे, आज देख अल्लाह रखा का चमत्कार। तूने मेरी बुद्धि नहीं देखी अभी तक, अभी तक मेरी बेवकूफी देख रही है तू। हाँ तो एक तो हाँ, अभी तो मेरी बुद्धि कहाँ देखी है, जितना बुद्धि देख लेगी ना। मैं तो जब इसे भूखा हूँ, भूख लग रही बहुत तेज। अल्लाह रखा जी ले आओ जल्दी से। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आज तो बहुत दिनों के बाद रोटी मिलेगी। लो ले जाओ, मैंने तो एक के लिए बनाई थी और तुमने चार चार लाके धर दिए मेरी छाती पे। पता ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ, ऐसा सड़ा सा मुंह मत बनावे, आज देखते मेरी अकलबंदी। तुम तो पूरे पागल ही दिखो। मैं मुझे पागल बतला रही है, तू अकलबंदी देखी आज। मैं उन्हें खिला रहा हूँ और तुझे ऐसी देखती रही थे, देखो आज देख मेरी बुद्धि का चमत्कार। चुप जाओ, चुप चुप नहीं हो, चुप हो जाओ, पहले मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, साला कल भी कुत्ता उत्ता आ जा कोई। हाँ मैं यही देख लू पहले, बिल्कुल प्योर अंधे भी हो ना ही। मैं तो जन्म से अंधा हूँ जी। अबे सच्ची तो ना अपनी माँ भी नहीं देखी? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा कम मैं कहते तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम इतने बड़े मर जाओ। बस तू भी बिल्कुल प्योर अंधा आ गई। हाँ जी बिल्कुल अंधा हूँ, मुझे तो बिटोड़ा भी दिखाई नहीं देता जी। साले तुझे इतनी सी छोटी चीज भी नहीं दिखाई देती? हाँ जी ठीक है तू प्योर अंधा। वाह मुझे तेरे पे शक सा लग रहा है, तू अंधा नहीं लगा। अजी मुझे तो आप भी नहीं दिख रहे हैं। देखो तो खराब सी रही है। ठीक है बस तुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अल्लाह रखा जो तो नहीं पता मैं बैठा कहाँ हूँ, बेड पे बैठा हूँ, धरती पे बैठा हूँ। ठीक है तो आप खाना खाओगे? तो मैं खिचड़ी खाओगे? भूख लग रही बहुत। हाँ जी ठीक है रख दो बस, तड़ंगा दो कुछ बनाया था। देखो ए अरे देख शक्कर देख, वाह कितने स्वाद है भाजी। यहाँ को रख दो इसे भाई, यही रख दो है? यही रख दो ही, बस होश ले ले यही रख दो। मैं रख रहा हूँ उसे तो दे दूँ। देख भाई तू भी देख।
ओए साले बहुत जल्दी कर रहा पर अपना हाथ प्लेट से देख देख लो रे वाला ए आ ले देख चक्का देख देख स्वाद लग रही है हां जी बहुत मजा आ रहा अच्छा हां जी खाई जा खाई जा ला भाई देख हाथ पीछे करो चलो टूट पड़ो बस साले मेरी ले साले तो बड़ी स्वाद हो रही है ठीक है साले मुला खिलाया तो खा ले साला गिरीश भी मांग रहा था मैंने कि साले लपाटे लगा दूंगा जब ले जल्दी जल्दी खा ले वो आ नहीं खेरा और दोस्त वो मिला मुझे रास्ते में वो संदीप लाठी बोला था कहाँ जा रहे हो मगर तू क्या ले शकल बिगड़वा है मैंने साले से लड़बड़ा खा लो जल्दी अबे अब तो समझदार सी हो गई तो क्यों अब तो मेरे हाथ से भी खा लेने वाला तो तुम भी खा लो मेरे हाथ से ला हाँ साले खा जाते साले आराम का माल आए साले चार चार मैंने साले को लठ पिला के भेज दिया अब ना करे खैरा था हम क्यों कर रहे खैरा तुम्हारे सही ना फालतू में मुझसे मत पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ कुछ काम कर लिया करो नहीं तो रोटी की भी लाले पड़ जाएंगे थाली बता रही है सारे दिन तो भाग दौड़ में गुजर जा और तू कह रही है काम करा करो जब हमारे पास कुछ है जब ही सब हमारे साथ है वरना कोई नहीं किसी का दुनिया में पगली तुझे पता नहीं है मेरे गाँव वाले ऐसे नहीं है पता तुझे जब अब मरा था नहीं तो पूरे गाँव वाले लुकाते थे आगे अल्लाह रखा रोवे मत तू हमारे घर खा लग रही रोटी अगर मैं मर गई ना तो कोई नहीं तुम्हारे घर के काम करने वाली आके मैं तुझे पता नहीं है पता तुझे हमारे गांव की औरत बड़ी अच्छी है मैं चली गई तो फिर किसे कहोगे बेगम बड़ी अच्छी
मैं तुझे पता, जब अब्बू मरे थे ना तो पूरा गांव आकर नुकाता था मुझे, अल्लाह रखा रोवे मत। तू हमें क्या लग रही हो अब्बू? जब अम्मी मरी थी तो पूरे गांव की औरत आ गई थी नुकाकरी, अल्लाह रखा रोवे मत। तू हमें क्या लग रही हो अम्मी? और पता तुझे मेरी बहन मर गई एक बार तो पूरे गांव की लेडी सारी आके औरतें नुका रही, नुकल्ला रखा रोवे मत। तू हमें क्या लग रही हो बहन? और तू भी मर गई ना साली, तो ऐसे कहने वाली बहुत आ जाएंगी, अकल्ला रखा रोवे मत। तू हमें क्या लग रही हो बेगम? कोई ना कहने वाली कि हमें कह लियो बेगम, हमें कह लियो बेगम। अबे तू मेरे गांव की औरतों को अजमाना चाह रही है? हाँ। तो ठीक है, तू मेरे गांव की औरतों को अजमा ले, तू झूठ माट की मर। हाँ मैं तो मर के देख लूंगी, मैं तो आजमाऊंगी तुम्हारे गांव की औरतों को। ठीक है, तू मर झूठ माट की मर जा तू, और मैं तेरे ऊपर कफन डालता हूँ, और जब देखेगा सब इकट्ठी होकर कहेंगी अल्लाह रखा रोवे मत। हमें कह लियो बेगम, मर के देख ले तू, अजमा ले तुम्हारे गाँव की औरतों को, ले साली मर जा। ठीक है, मैं मुर्दों की तरह कर लंबे पैर लो। अगर तू जरा सी भी हंस गई ना उनके गाड़ी तो साली शिकल को बिगाड़ दूंगा तेरी। हाँ हाँ, कोई नाने वाली देख ले रहा। हाँ, चुप चुप नहीं रहे बस। अरे बेगम मर गई, अल्लाह मिया, अरे अल्लाह मिया, मेरी बेगम मर गई, अरे चाची ताई मेरी बेगम मर गई। करूंगा, नाम है मेरा अल्लाह रखा, ऐसे नहीं डरूंगा।